हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर रूपी शोर, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के फॉर्म रीओपन होने से संबंधित नोटिस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप इसी तरह के नोटिफिकेशन और अपडेट चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ, इस नोटिस को आप आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं और इसके अनुसार सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 समस्त विज्ञापित विषयों हेतु एवं ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के सभी सब्जेक्ट्स और लाइब्रेरियन तथा स्पोर्ट ऑफिसर के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषय। तो जो भी एप्लीकेंट्स इसमें अप्लाई करने के लिए रह गए थे तो उन सभी के लिए फॉर्म रीओपन कर दिए गए हैं आयोग के द्वारा, और इस नोटिस को आप आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ से आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापकों एवं ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 16/2022 से विज्ञापन क्रमांक 53/2022 तक दिनांक 30/12/2022 को आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किए गए थे। और आप यहां से देख सकते हैं, अब जो है दोबारा से पुनः प्रक्रिया इसमें प्रारंभ हो गई है आवेदन की। उपरोक्त छूट के परिपेक्ष में समस्त अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाती है। इस हेतु तिथि विन्यास निम्न अनुसार रहेगा और आवेदन ऑनलाइन आवेदन के हेतु जो एप्लीकेशन फीस है तो अनारक्षित श्रेणी हेतु ₹500 है तथा आरक्षित श्रेणी हेतु ₹250 के साथ। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस जो है ₹500 है और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस जो है ₹250 है। और इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 5/4/2024 यानी कि 5 अप्रैल 2024 से इसमें ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 13/4/2024 दोपहर 12 बजे तक, यानी कि 13 अप्रैल 2024 इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है दोपहर 12 बजे तक। और ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभ तिथि, अगर जो करेक्शन की डेट है, अगर किसी के फॉर्म में कोई गलती हो गई तो वो करेक्शन कर सकते हैं, तो 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक इसमें करेक्शन किया जा सकता है। सामान्य शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के साथ, और विलम्ब शुल्क जो है वो ₹3,000 के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं 13/4 से 20/4 तक, और करेक्शन कर सकते हैं 22/4 को, और विलम्ब शुल्क जो है ₹25,000 के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं 20 अप्रैल से 2024 तक, 30 अप्रैल 2024 तक, और इसमें जो करेक्शन की डेट है वो 2/5/2024 है। तो ये हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूर्व में आवेदन कर चुके समस्त अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें पहले अप्लाई कर चुके थे और उनका फॉर्म फिल हो गया था तो उन्हें दोबारा से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो कैंडिडेट जिन्होंने अभी इसमें अप्लाई नहीं किया था वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी अतिथि विद्वान थे जिन्हें की 10 वर्ष की छूट हेतु चाहिए थी 10 वर्ष की, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी प्रकार के नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। So thank you very much.